मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं स्टोरी कार्ड पर एक और नई कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी का शीर्षक है सती, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी सती। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और सशंकित। मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा। कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी पड़ जाए यह उसे असह्य है। वह अब रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यह हाल है कि जब वह घर पे नहीं होता तो मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवती की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी भैया तुम्हारे जोग न थे। मुलिया बोली, भाग में तो वही दिखे थे, तुम कैसे मिलते। राजा ने मन में समझा, बस अब मार लिया। बोला, विधि ने यही तो भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल तो वही सुधारेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता तो था कि कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए न थे और बजाज में उधार न माना। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुनरी लाकर मुलिया को भेंट की। मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है, तभी तो मैं इसे लाया हूँ, तुम्हारे लायक नहीं है वो साड़ी। भैया को किफायत भी सूझती है तो ऐसी बातों में। मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते। राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता नहीं पड़ता है। मुलिया, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा ने कहा, जरा यह चुनरी पहनकर देखो कैसी खिलती है। मुलिया, जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वह चुनरी पहन लेने से खुश ना होगा। उन्हें चुनरी पसंद होती तो चुनरी ही लाते मेरे लिए। राजा ने कहा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी। राजा ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मुलिया ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, यह ना होगा देवर जी, कहीं देख लें तो मेरी शामत ही आ जाएगी, तुम इसे लिए ही जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे ना लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूंगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हुए। राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। राजा ने पहुंचा पकड़ने को हाथ फैलाया। बोला, ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया उसी विनोद भाव से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा। यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर उसके सामने से उठा ली गई हो। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुंदरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोच कर रह जाती थी। उसने चुंदरी क्यों रख ली, उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ, उसकी चुंदरी क्षण भर पहन लेने से उसका मन तो रह गया, लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यहाँ एक कीट आकर उसे मथ रहा था। उसने चुंदरी क्यों रख ली, क्या वह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है। उसका चित इस विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ, इसमें विश्वासघात की क्या बात है। कौन वह राजा से कुछ बोली, जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है। कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था। मुलिया की देह थर थर कांपने लगी। बहाना कर दिया, तमाखू लेने आए थे। कल्लू ने भवें सिकोड़कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, वो अच्छा आदमी नहीं है। मुलिया ने कहा, मैंने कह दिया तमाखू नहीं है तो चले गए। कल्लू ने अब की तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती हो, वह तमाकू मांगने नहीं आया था। तो और यहाँ क्या करने आते। चाहे जिस काम से आया हो, तमाकू मांगने नहीं आया, वह जानता था मेरे घर में तमाकू नहीं है, मैं तमाकू के लिए उसके घर खुद गया था। मुलिया के देह में काटो तो लहू नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रत जगा था। मुलिया पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी।
पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा है उसके मुख में कालीमा पुत गई है और अब वह कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया? यह रूप ना होता तो राजा मेरे पीछे क्यों पड़ता और क्यों आज मेरी यह गति होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती, तब तो मन इतना चंचल ना होता। जिसमें जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले, यहाँ तो इसने मटिया मेट कर दिया। न जाने कब उसे झपकी आ गई और देखती है कि कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम एक वृद्धा स्त्री ना जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मार डाला? मुलिया रोकर कहती है, माता मैंने उसे नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ तूने छुरी कटार से नहीं मारा, उस दिन तेरा तप छिन गया और इसी से वह मर गया। मुलिया ने चौकन्नी होकर आंखें खोल ली। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ी हुई उसके पास गई और उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने हड़बड़ाकर पूछा, कौन है? मुलिया क्यों रोती हो? क्या डर लग रहा है? मैं तो यहीं जाग रहा हूँ। मुलिया ने सकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हुआ है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा, क्या बात है, कहो तो, रोती क्यों हो? मुलिया, राजा तमाखू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही समझ गया था। मुलिया, वह मेरे लिए चुंदरी लाया था, तुमने लौटा दी? मुलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली, कहते थे मैं जहर माहौर खा लूंगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर पड़ा रहा और बोला, तो रूप ते मेरे बस का नहीं है, देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे हो जाऊं? कल्लू ने अगर मुलिया को खोलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा न होती। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में न तो उत्साह रहा न वह आनंद, हंसना बोलना भूल सा गया। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया था और यह भ्रम उसके हृदय में केवड़े के समान चिपट गया। वह घर अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मुलिया केवल झटपट खाना बना देने वाली एक मशीन। आनंद के लिए वह कभी ताड़ी खाने चला जाता या कभी चरस के दम लगाता। मुलिया उसकी दशा देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। वह उस बात को उस दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती, उसे प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयत्न करती, पर वह जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी उतना ही वह उससे विचलता था, जैसे कोई कटिए में फंसी हुई मछली हो। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खान सामा था उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में से किसी न किसी का खून जरूर हो जाता। इस तरह साल भर बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे ज्वर था। दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर चार पांच दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और मालूम हुआ कि यह माता नहीं है, उपदंश है। कल्लू के कलुषित भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवलों में मवाद पड़ गया और उनमें ऐसी दुर्गंध पड़ने लगी कि पास बैठते ही नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह मुलिया करती थी, पर कोई लाभ ना हुआ और कल्लू की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती थी। उपचार की कसर वह अबला अपनी स्नेहमयी सेवा से पूरी करती थी। उस पर गृहस्थी चलाने के लिए अब मेहनत मजूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था, मुलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि मुलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो उसे फिर से दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातः काल था, मुलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मुलिया मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिल गई, तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो भी ना लूं। मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें करोगे तो मैं रोने लगूंगी, मेरे धन्य भाग कि तुम जैसा स्वामी मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट गई। फिर बोली भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कह दो मूला, राजा और तुम में क्या मामला था? मुलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच कोई मामला हुआ हो तो भगवान मेरी दुर्गति करे, उसने मुझे चुंदरी दी थी वह मैंने ले ली थी, फिर मैंने उसे आग में जला दिया, तब से मैं उससे कुछ भी नहीं बोली हूँ। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा,
मैंने तो कुछ और ही समझ रखा था। न जाने मेरी मति कहाँ हर गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं आप ही पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। उसने रो रोकर अपने दुष्कृत्यों का पर्दा खोलना शुरू किया और मूलिया आंसू की लड़ियां बहाकर सुनने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो उसने विष खा लिया होता। कई महीने के बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ। तीमारदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वह दिन में 2-4 बार पहुंच ही जाता था। एक दिन मूलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी मुझे अब भाभी क्यों अब भी मुझ पर दया नहीं करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। कै दिन से तुमको खोज रहा हूँ, पर तुम हो कि मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब अच्छे न होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है, इसके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हें फूल सी देह, तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है। मेरे साथ चलो, कुछ जिंदगी की बहार उड़ाएं। यह जवानी बहुत दिन के न रहेगी। यह देखो तुम्हारे लिए एक करण फूल लाया हूँ, जरा पहनकर मुझे दिखा दो। उसने करण फूल मुलिया की ओर बढ़ा दिया। मुलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं, चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लाला तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी ही लाई हुई है, तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती? कहते हो भैया आप किस काम के हैं? मुझे तो अब वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं ना होती तो वह दूसरी सगाई कर लाते, अपने हाथों ठोक खाते। आज मैं ही उनका आधार हूँ, वह मेरे सहारे जीते हैं। अगर मैं इस संकट में उनके साथ दगा करूं तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा, जबकि मैं जानती हूं कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूं। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई हो और वो कहे कि मुझे तो सूखी ही रोटी अच्छी लगती है। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो लाला, क्या कहते हो तुम? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता, मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई दिखाई नहीं देता। कल्लू ने पुकारा, मूला थोड़ा पानी दे दे। मूला पानी लेकर दौड़ी, चलते 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 करण फूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से करण फूल उठा लिया और क्रोध में भरा हुआ चल दिया। रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ठिकाने से दवा दारू होती तो शायद ठीक हो जाता, मगर अकेली मूलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी कोढ़ का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मूलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांसें चल रही है। घबराकर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यही अंतिम विदाई थी। मूलिया ने उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसके आहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे। तुमसे इतना भी ना देखा गया भगवान? उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसलिए तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए? हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो। हाय, अब कौन मुझे मूला कहकर पुकारेगा? अब किसके लिए कुएं से पानी सींचूंगी, किसे बिठाकर खिलाऊंगी और पंखा डुलाऊंगी? सब सुख हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? सारा गांव जमा हो गया, सभी समझा रहे थे, पर मूलिया को धैर्य न होता था। यह सब मेरे कारण हुआ, यह बात उसे नहीं भूलती। हाय हाय, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सिरताज क्यों उठ जाता? शव की दाह क्रिया की तैयारियां होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए। मूलिया अपना कमाती है, खाती है और अपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम धंधों से छुट्टी नहीं मिलती, हाँ रात को एकांत में रो लिया करती है। इधर राजा की स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिनों के बाद वह फिर से छला बनकर घूमने लगा और भी छुट्टा सांड हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने के कारण कुछ डर था, लेकिन अब तो वह भी नहीं रहा। अब की नौकरी पर से लौटा तो सीधे मूलिया के घर पर पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी करोगी या नहीं, या अभी भी कुछ बाकी है? अब तो भैया भी नहीं रहे, इधर मेरी घरवाली भी सिधार गई, मैंने तो उसका गम भुला दिया, तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी? मूलिया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में है। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं है, मेरे लिए वह अब भी वैसे ही जीते जागते हैं। मैं अब भी उन्हें वैसे ही उठे बैठे देखती हूँ, पहले देह का अंतर था, अब तो मुझसे और भी नगीच हो गए हैं, और ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे और भी नगीच होते जाएंगे। भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है, जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या होता है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने, पैसे की कदर तो तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है।
तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो सोहबत क्या है। घरवाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बन बैठे। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी किसी के पास चली गई होती। मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती तो मेरा सरताज जन भर के लिए मेरे नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों के लिए स्त्रियां उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे सोदों के भाग में तो पत्तल चाटना लिखा है, चाटो, मगर खबरदार आज से मेरे घर में पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोओगे, बस निकल जाओ। उसके मुख पर ऐसा तेज, स्वर में इतनी कटुता थी कि राजा को जबान खोलने का भी साहस न हुआ, चुपके से निकल भागा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कार्ड को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।